how I pack my bag because we need a lot of space. So I always use this travel cubes whenever I travel, and हर चीज़ क्या है कि एक ही बैग में आ जाता है, सारे लोअर्स एंड अंडरगारमेंट्स एंड टी शर्ट्स, माई परफ्यूम्स एंड माई लॉट ऑफ मोर थिंग्स आई मीन. एंड हियर यू कैन सी माई बैग जहाँ पर मैंने पैक किया है मेरे फूड पैकेट्स रेडी टू ईट. व्हेन यू आर वेजिटेरियन यू हैव टू गेट रेडी विद ऑल दिस व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर आउट ऑफ द कंट्री. या सो हियर आई गो एंड आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका. फर्स्ट जो हमारा स्टॉप है, आई मीन जहां मैं लैंड हो रही हूँ, वो है अटलांटा. यहाँ से 21 घंटे की जर्नी है. सो ये सारा सामान लेके पहुंचूंगी वहां पे 21 घंटे में. सबसे पहले मेरा लेओवर है जो है दोहा में. सो लेट्स मूव, लेट्स पैक बैग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई विल रश टू द एयरपोर्ट, और वो भी दुबई एयरपोर्ट. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माय ट्रिप. लेट्स गो. ट्रैवल करते समय ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में. जब मैं चेक इन कर रही थी बोर्डिंग पास, तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर में मैंने एंकल ब्रेस पहनी है और ऑलरेडी मेरी वेब चेक इन हो नहीं रही थी. तो हमेशा याद रखो, जब भी आप फ्लाई करते हो, स्पेशली लॉन्ग रूट फ्लाइट्स होती है, देन मेक श्योर कि आप वेब चेक इन कर लेते हो. मैंने बहुत ट्राई किया, समहाउ वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको यही बोला. बट थैंकफुली मुझे बहुत अच्छा सीट भी मिल गया यहाँ से दोहा एंड अगेन दोहा टू यूएसए. तो यहाँ पे है मेरी सीट और मेरे बाजू में कोई नहीं है फिलहाल, और बोर्डिंग खत्म हो चुकी है. बहुत टाइम के बाद मैं कतर एयरवेज में फ्लाई कर रही हूँ. बट पर्सनली मुझे एयरवेज बहुत पसंद है. एक अमेरिकन एयरलाइंस है जो मैंने ट्रैवल किया है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे स्पेशियस लग रहा है. यानी एक सीट जहाँ मैं बैठी हूँ उसकी आगे की सीट के बीच में लेग स्पेस ज़्यादा है, एंड लकीली कोई है भी नहीं आसपास, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. पर्सनल कैबिन जैसा फील आ रहा है. और मैंने पूछा तो बोला कोई नहीं है. सो आई एम लकी. सो नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई एंड आई विल सी यू इन दोहा. एंड आई एम हियर दोहा एयरपोर्ट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियर. आज तक मैं कभी ये एयरपोर्ट पे नहीं आई हूँ. लुकिंग सच बिजी एयरपोर्ट, वेरी बिजी. मुझे तो पता ही नहीं था दोहा एयरपोर्ट इतना डेवलप है. माई गॉड, ये सारे कंट्री हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन चलती रहती है, बट जब आप देखते हो तो एक अलग ही उसका फील है. सो यह दिस इज अ दोहा एयरपोर्ट. मेरी फ्लाइट अभी वन एंड हाफ आवर ऑलमोस्ट 8:30, और अभी हुआ है 6:50 इन द मॉर्निंग. मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ. सो आई ऑलरेडी चेकड इन फॉर माई नेक्स्ट फ्लाइट. बोर्डिंग पास ऑलरेडी है मेरे पास, तो मुझे बस सिर्फ सीधा गेट के पास जाना है. सो आई एम जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग एंड थोड़ा बहुत टाइम पास देख लेते हैं एयरपोर्ट कैसा है, उसके बाद सीधा गो टू द फ्लाइट. दुनिया की एक ये जर्नी है अमेरिका जो इतने घंटे लेती है. मेरी आंखें नहीं खुल रही है अभी. रात का दिन ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज चुके हैं एंड आई एम बोर्डिंग नाउ. हियर इज माय फ्लाइट. यू कैन सी 16 घंटे की जर्नी. सो अगर आपने कभी अमेरिका फ्लाई किया है, इतनी लंबी जर्नी की है, कमेंट में ज़रूर बताना. एंड लेट्स मूव एंड आई विल सी यू इन यूएसए अटलांटा. वेलकम. पहुंच चुके हम लोग अभी अटलांटा. वो स्मूथ जर्नी 16 आवर्स. एंड हियर ओ माय गॉड, क्या हाल है एयरपोर्ट का. थैंकफुली आई हैव रिसीव्ड माय बैग लगेज. मैं तो डर गई थी इतना टाइम लग गया तो, पर मेरा सामान तो आ चुका है ऑलरेडी. बट देयर इज़ नो ट्रॉली कोई भी जगह, तो ऐसे ही मुझे चलना पड़ेगा हाथ से. लेट्स मूव. तो यहाँ पर मैं अब बाहर निकल रही हूँ. एक भी ट्रॉली नहीं है, सो आई हैव टू मैनेज माय बैग एंड ऑल. एंड यहाँ से मैं कैब लेके फिर निकलूँगी जहाँ पर मैंने एयरबिन भी बुक किया है. सो लेट्स मूव. पानीपुरी, पापड़ी चाट, साबुदानी खिचड़ी, वाह. तो ये मुझे मिल गया है एक इंडियन मॉल में खाने आ गई, क्योंकि मैं 24 घंटे से जो फ्लाई कर रही थी, मुझे लगा मुझे कुछ चटपटा खाना है एंड देन पता नहीं मैं नेक्स्ट कब खाऊंगी. तो रास्ते में मुझे ग्लोबल मॉल करके दिखा, मैंने सोचा इधर ही रुक जाती, सबसे पहले खा लेती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दिस.
क्या आपको पता है ब्यूटीफुल स्टेट साउथ कैरोलिना विच इज फेमस फॉर शोर लाइन ऑफ ट्रॉपिकल बीचेस एंड लॉट ऑफ एडवेंचर्स इन यूएसए। तो मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ मेरे बकेट लिस्ट में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवेंचर्स करने के लिए, जो है टू फ्लाई अ प्लेन, यस प्राइवेट प्लेन, एंड स्काई डाइव इन अमेरिका। काफी शांत स्टेट है साउथ कैरोलिना जहाँ पर मैं अभी हूँ। अटलांटा में लैंड होके वहाँ से कोलंबिया और अभी फिलहाल पीटा हाउस करके एक बहुत प्यारी जगह है। सो इट वाज रियली ग्रेट नाइट टू स्लीप क्योंकि बहुत थक गई थी। ऑलमोस्ट 22 घंटे की जर्नी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट माई डे विथ फलाफल। सो यहाँ पे एक जगह है पीटा हाउस जहाँ पर मैं फलाफल खाने आई हूँ और लोगों ने काफी मुझे बताया कि बहुत ही अच्छा पीटा ब्रेड और हमस मिलता है। सो लेट मी गो एंड ट्राई। Best thing to eat when you are vegetarian. This is falafel platter and baba ghanous, hummus, some salads, falafel. So what I'm planning is ke andar hum pocket banayenge aur acche se khayenge. Greenville downtown airport. Seems something really interesting, right? Oh, it's sunny. But yeah, it's good weather to fly. I mean, private plane. So, आज हो रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर जो मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी कि अमेरिका में मैं एक प्राइवेट प्लेन में उड़ू। So, I'm here. So, I'm here, South Carolina, जहाँ पर Greenville और जहाँ पर ये है प्राइवेट जेट। सो ये मैंने एक हेलीकॉप्टर राइड किया था जो था दुबई में, बट ये प्लेन है। सो गोना बी समथिंग रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। स्ट्रैटिस एविएशन जहाँ पर भी मैं हूँ, सो देयर आर लॉट ऑफ मोर कंपनीज, बट या दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम गोना फ्लाई। सो आई हैव टू फिल द फॉर्म, कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है साइन करनी है, दैट्स इट। और बाकी ऑफिशियली क्या जहाँ के चार्जेस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वी नीड टू नो दैट, राइट? या आई एम इन दिस काइंड ऑफ एडवेंचर नॉर्मली पीपल डू व्हेन दे कम टू यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के बहुत सारे पार्ट में ये होता है। स्टार्टअप्स इज वन काइंड ऑफ परफेक्ट एविएशन कंपनी जो अभी ग्रीनविले में है। सो अगर आपको वन टाइम फ्लाई करना है तो दे चार्ज $600 to $700 एंड इट इज अबाउट 1 hour फ्लाई टाइम जो आपका स्टार्ट से शुरू होके या पूरा ये जो भी जगह है, यू विल सी समुंदर, फिर देन डाउन टाउन, ऊपर से शहर, बहुत सारी जगह पर लेके जाएंगे हम लोगों को। सो दैट्स अ कॉस्ट एंड आई एम ऑल सेट टू लीव। लेट्स मूव। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3-4 छोटे 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 प्लेन्स है। ओ माई गॉड, सो मच एक्साइटेड। और सही बात अगर आपको मैं बताऊँ तो मेन जो चीज़ है वो मैं आज फ्लाई करने वाली हूँ। ओके, आई एम गोना फ्लाई दिस मिनी प्लेन। लेट्स मूव। सारी चीज़ें मैं समझ रही थी कि एक्चुअली बिफोर यू फ्लाई व्हाट एग्जैक्टली यू चेक। नॉर्मली यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, फिर टेक सम कोर्स, आई मीन प्रॉपर फ्लाई वाला। तो अगर आप कभी जिंदगी में प्लान करते हो अपना पर्सनल जेट खरीदने के लिए, देन डेफिनेटली यू कैन प्लान टू लर्न फर्स्ट। तो यही सारी बेसिक चीज़ें मुझे समझा रहा था ये लड़का। और या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। Woo!
again. I'm here for the new adventure, which is skydive. So first skydive जो मैंने किया था वो था दुबई में और right now I'm here in America, South Carolina, जहाँ पर है skydive Carolina, a place where you can jump from the plane. Sounds so exciting, right? यहाँ पे skydive करने के charges जो है वो है $250 and again if you need video then you're paying more $100, all around $50 or $400, almost like a Dubai because Dubai में भी 45,000 है और यहाँ पे भी almost 40,000 जितना पैकेज हो ही जा रहा है. So yeah, here I go. And once the harness is on you, there's no more going to the bathroom. Okay? Okay. Now, as I say, the first thing your instructor is going to do is harness you up. Please don't do any modifications to the harness yourself. Okay? Out, in, out. Out. Okay? Okay. Or you can also be like one, two, three. And you guys are jumping. Jump. We're done like this. Please not like this. Not like this. Not straight. It should be little up. Uh-huh. Yeah. Nothing like this. Not like okay. Boom. Boom. Okay. Oh, yeah. You have to be very alert. Exactly. Yeah, okay. Yeah. So try to remember that. Okay. So yahan pe ye video hai jo dekhna hai aapko. Samajhna hai ki kaise ye log skydive karte hain. How the body situation, direction, what exactly expressions. You're about to embark on an exciting adventure. सो अभी एक्चुअली यहाँ पे मैं समझ रही थी कि अगर आपको स्काई डाइव प्रोफेशनली सीखना है, लाइसेंस लेना है एंड इफ ऑफ कोर्स व्हाट दे कॉल उसका जो चार्जेस है वो करीबन अपने इंडियन रुपीज़ 3 लाख रुपया है और उसमें 25 दिन मिनिमम लगता है जो एवरी डे आपकी अलग अलग स्टेजेस की ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा एंड लास्ट 7 डाइव आप खुद करोगे प्लेन में से जम खुद अकेले. आई मीन इट इज़ समथिंग ड्रीमी और मुझे बहुत शौक है. मैं सोचती भी हूँ, दुबई में भी होता है, इवन यूरोप में भी बहुत सारे जगह होता है. सो या लेट्स सी अगर फ्यूचर में प्लान कर पाती हूँ. बट आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है एंड इट इज़ हाई रिस्क एंड ऑफकोर्स रिस्क तो हर चीज़ में आप कहीं से जंप करते हो और या 25 से 30 दिन आपको देना है. सो या लेट्स स्टार्ट नाउ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी मैंने किया वो और उसके बाद देन आई विल गो फॉर जंप. जितने भी लोग थे वो सारे इंस्ट्रक्टर है यहाँ के एंड वो लोग आपको ऊपर लेके जाता है जंप कराने के लिए. सो अपना नंबर अभी तक आया नहीं है, आएगा इन 5-10 मिनट्स. आई एम वेटिंग फॉर दैट. रियली एक्साइटेड. ओह माय गॉड, रियली एक्साइटेड. सो यहाँ पे मुझे अपना जंप सूट पहनना है क्योंकि जो कपड़े मैं पहन के आई हूँ, आई मीन ऑफकोर्स आई एम वेयरिंग फुल क्लोथ्स बट दे नीड मोर थिक एंड या आई एम लुकिंग प्रोफेशनल. Understood everything, position, जो भी चीज़ें ध्यान रखनी है स्काई डाइव करते करते. आई मीन वेन यू जम्प, बिफोर यू जम्प वॉट यू नीड टू चेक योर बेल्ट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नेक वेल गोइंग आउट वेल जम्पिंग. आई मीन योर बैक शुड बी इन सम यू नो प्रॉपर डायरेक्शन. आई मीन शुड बी सम लाइक कर्वी स्टाइल. सो या क्या होता है ना कि जब आप जंप करते हो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हर चीज़ दिमाग से निकल जाती है. आप जानते हो, सब हो, आप सीखते हो बट सडनली दिमाग से निकल जाता है. सो आप अपने एक वर्ल्ड में चले जाते हो. बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड एवरीथिंग इज डन. अभी हम प्लेन में बैठ के जाएंगे डाइविंग साइट पे जो यहाँ से 10 मिनट है. सो आई मीन द प्लेन फॉर 10 मिनट्स एंड देन आई विल जंप. Hey Tripti, welcome. How are you doing today? Thank you, I'm good. All right, but you're wearing a funny suit and a harness here. What's that for? Tell us what you're doing today. I know I'm going to do skydiving. Oh, my God, you're not scared? Yeah. A little bit scared like this? No. I did it once. Okay. This is my second time. All right, so you're wearing the parachute this time? Oh, yes. Oh, very good. Maybe next time. Now, we're just about ready to go. Do you have anything to tell your friends at home before we get on that plane? It is a little scary, but yeah, I'll be back very soon safely. And I'm literally excited and confident. All right, let's go do it then.
welcome back. Looks like you made it, huh? Thank you. How was that jump? It was amazing. Pretty good? Yeah, it's good. Were you scared a little bit at the start or no? A little bit, but not exactly. I was very excited for that. The fear kind of melts away once you jump, right? Yes. What do you think was the best part? The best part, which I liked after parachute open, he did some flips. Uh-huh. So it was a good adventure. I never did it before. Like a roller coaster, yeah? Yeah, awesome. Coaster, it was good. Very good. Now I tried with my hands for the first time. Uh-huh. So yeah, it was good. You were flying it yourself. Now here's the big question for you. Think you jump again? I would love to do it. Alrighty. Tripti, thank you so much for visiting Skydive Caroline today. Thank you. We'll see you for the next one. Soon. Yahoo! So yeah, we are back and here is my certificate. I'm so excited. Thank you so much, Jai. Yeah! So here is a certificate. So ये क्या है कि एक jump count होता है. Oh my God, what an experience. मज़ा आ गया. बिल्कुल डर नहीं लगा मुझे. Thank God. बाल की तो हालत ही ख़राब हो गई क्योंकि इतना ऊपर से jump कर रहे थे. But yes, certificate जो है वो एक jump count होता है. So certified course के लिए आपको 25 jump करने पड़ता है. तो आप कहीं भी ये first jump का आपका certificate दिखा सकते हो. Though I did in Dubai, but वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था. I'm really glad कि यहाँ पर ऐसा certificate देते हैं आपको.